पहुंच गए। जी प्रबल जी, अब आपके पास मैं आ रहा हूं और एक चीज पूछ रहा हूं। आपको अगर याद हो तो हमारे मोदी जी ने बिहार में रहने वालों के लिए नीतीश कुमार के डीएनए पे एक टिप्पणी की थी, और डीएनए की टिप्पणी आप समझ सकते हैं वो गाली से कम नहीं है, क्योंकि अगर आप डीएनए पे टिप्पणी कर रहे हैं तो आप एक तरह से उनके माँ बाप की के ऊपर टिप्पणी है, जो जो गाली से भी बहुत आगे है। और उसका उन्होंने एक पॉलिटिकल जवाब दिया था, फिर वो अपने सिर के बाल काट काट के लोग लिफाफे में रख के भेजने लगे थे, इत्यादि इत्यादि। लेकिन शायद ये चीज जो जो माना जाता है कि पॉलिटिक्स में इस तरह का एक रेटोरिक चलता है, लोग इस तरह की भाषा बोलते हैं, कोई मुर्दाबाद बोलता है, कोई जिंदाबाद बोलता है, लेकिन यहाँ पे क्या बीजेपी इस तरह की चीजें पकड़ के और उसका जो भी काम करना है, अभी जैसे उन्होंने सजा दिलवा दी, तो क्या बीजेपी बहुत चतुर पार्टी है, क्या बीजेपी बहुत चालू पार्टी है, या बीजेपी बहुत चालबाज पार्टी है? मतलब ये इसको कॉम्प्लीमेंट माना जाएगा क्या कि भाई यही काम आपने बिहार में नीतीश जी को कहा था? जरा मैं आपकी टिप्पणी समझ लूं, आप कैसे देखते हैं बीजेपी? देखिए, आपने सवाल पूछा कि बिहार के विषय में नरेंद्र मोदी जी का बयान था डीएनए वाला, और उस पर मुझे लगता था कि उस समय की सरकार को या मुख्यमंत्री जो वर्तमान में, उनको एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन एक्शन नहीं लिया। और उसके बावजूद कई और बयान हैं नरेंद्र मोदी जी के, जिस पर अगर हम सोचें और देखें तो बहुत ज्यादा बयान है। वो बयान है, एक तो उन्होंने जर्सी गाय कहा था सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को पप्पू, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग तो नेहरू जी को मुसलमान और इंदिरा जी को मुसलमान बताने में नहीं चूकते हैं। और नरेंद्र मोदी ने तो और बड़ी बात कही थी, नरेंद्र मोदी ने किसानों को आंदोलन जीवी परजीवी कीड़ा, नाली का कीड़ा तक कहा, परजीवी कहा, तो हम लोग का मानहानि नहीं हुआ। और ये कौन सी कोर्ट है कि सुओ मोटो नहीं ले सकती? अब किसान किस कोर्ट में जाएगा, किस कोर्ट में किसान जाए नरेंद्र मोदी के खिलाफ मानहानि का दावा करने? तो अगर हिम्मत हो, जो जज हैं जिन्होंने बड़े ही 2 साल का फैसला लिखा है कि 2 साल का जेल होगा या सजा होगी जो भी है, और इसी के बहाने नरेंद्र मोदी को वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है राहुल गांधी को बाहर कर दे, तो उनके अगर हिम्मत हो तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक मानहानि का दावा करवा देना सुओ मोटो लेके किसानों को। मैं कह रहा हूं मेरे पास नहीं पैसा है उतना कि मैं मानहानि का दावा कर पाऊंगा, लेकिन अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मेरी मदद करें तो मैं नरेंद्र मोदी के ऊपर मानहानि का दावा ठोकना चाहता हूं। और आप मेरी मदद करें कोलसे पाटिल साहब, मैं चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ मानहानि का दावा हो। लेकिन इस देश के अंदर सबसे बड़ी चीज यह है कि नरेंद्र मोदी और ये सब चीजें कर क्यों रहे हैं, वो इसलिए कि मोडानी पर हमला हो गया है, अडानी प्लस मोदी के जो लूट है उस पर राहुल गांधी ने सवाल उठा दिया है। और राहुल गांधी ने 2013 में जो ये भूमि अधिग्रहण कानून लागू हुआ उसमें जो महती भूमिका निभाई, उसके बाद कॉर्पोरेट राहुल गांधी का दुश्मन बन चुका है। और उसके बाद उन्होंने जो अभी ताजा जो जनवरी फरवरी में जो हमला किया है संसद के अंदर, जो सवाल उठाए हैं अडानी को लेकर, अडानी को लूट को लेकर, मोदी के रिश्तों को लेकर, उससे मोदी बौखलाए हुए हैं, भारतीय जनता बौखलाई हुई है। और नरेंद्र मोदी एक तानाशाह हैं, इसमें कौन सी दो राय है? और नरेंद्र मोदी डरपोक आदमी है, मैं कह रहा हूं डरते हैं, अगर डरते नहीं तो इस तरह की केसेस करवाते कि इसके बहाने लेकर राहुल गांधी को बाहर। अरे राहुल गांधी को अगर संसद से आप बाहर कर दोगे तो राहुल गांधी को चुनाव लड़ने से रोक दोगे तो वो राहुल गांधी तुम्हारे लिए ज्यादा खतरनाक होगा, संसद के अंदर बैठा हुआ राहुल गांधी संसद से बाहर तुमसे ज्यादा खतरनाक होगा तुम्हारे लिए, ये नरेंद्र मोदी को समझना चाहिए। और दूसरी चीज, नरेंद्र मोदी, हम सारे किसान आंदोलन के दौरान 750 किसान शहीद हो गए, 5 किसानों के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ, 5 किसानों को लखीमपुर खीरी में जीप से नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में बैठे हुए एक मंत्री आतंकवादी ने, उनके बेटे आतंकी ने हमला करके किसानों को मारा, नरेंद्र मोदी के मुंह से एक उफ तक नहीं निकली जब वो लखनऊ 5 अक्टूबर को पहुंचे। ये 3 अक्टूबर की घटना थी 2021 में, 5 अक्टूबर को लखनऊ गए और एक व्यक्ति के गलती के कारण किसान आंदोलन का समझौता हुआ, नहीं तो नरेंद्र मोदी किस मुंह से बातें कर रहे हैं, किस मुंह से बोलते हैं, क्या क्या बातें करते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी किसी को कुछ बोलते हैं, कभी किसी को नक्सली कहते हैं, किसी को
अर्बन नक्सल कहते हैं, उनका मानहानि नहीं हो रहा, बस एक आदमी की मानहानि है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, वो नरेंद्र मोदी, उनकी मानहानि हो सकती है, बाकी लोगों की मानहानि नहीं होती। और ये कोर्ट जो है ये कंगारू कोर्ट में तब्दील हो चुकी है, ये तो तालिबान कोर्ट हो चुकी है। अब गुजरात वजरात में जो ये जो देश के अंदर कोर्टें चल रही, मुझे तो लग रहा है कुछ दिन के बाद ये कोर्टें जो है तालिबान की कोर्टें कोड़े मारने की सजा दे सकती हैं, ये कोड़े मारने की सजा देंगी साहब लोगों को। ये हिंदू राष्ट्र बनाने में, ये मनुवादी राष्ट्र बनाने में ये जो भूमिकाएं अदा हो रही है, ये सब वो है कि जब पहले सामंत होते थे, राजा होते थे, उनको किसी की बात पसंद नहीं आती होती थी तो हाथी चढ़वा देते थे उसके ऊपर, हो सकता है कुछ दिनों के बाद हाथी चढ़वाना शुरू कर दें। तो मैं तो नरेंद्र मोदी से कहता हूं, मेरा नाम प्रबल प्रताप शाही है, मैं कह रहा हूं आप बहुत डरपोक आदमी हो, मेरे ऊपर मानहानि दावा कर दो, मेरे ऊपर केस कर दो, मुझे जेल भेज दो, मुझे फांसी चढ़ा दो, मैं नहीं डरने वाला, मैं बाहर भी नहीं आऊंगा, मैं जमानत भी नहीं लूंगा, मैं माफी भी नहीं मांगूंगा तुमसे, मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी। मैं तुमको कहता हूं तुम जैकब जुम्मा ऑफ इंडिया हो, तुम्हारा हश्र वही होगा जो दक्षिण अफ्रीका के जैकब जुम्मा का हुआ है, जो जैसे जैकब जुम्मा ने गुप्ता बंधुओं से दक्षिण अफ्रीका को लुटवाया और आज वो जेल में है और वो गुप्ता बंधु भागे हुए हैं, उसी तरह नरेंद्र मोदी आपका भी हाल वही होगा, हश्र होगा हिंदुस्तान के अंदर, आप जेल के अंदर जाओगे और ये अडानी बंधु जिन अडानी बंधुओं को तुमने देश लुटवाया है वो सब भाग जाएंगे। मैं कह रहा हूं नरेंद्र मोदी तुम्हारे अंदर हिम्मत हो तो मुझे भी जेल भेज दो। मैं फक्र से एक साथ कहता हूं कि नरेंद्र मोदी मैं तुमसे नहीं डरता, पर मुझे यही कहना है जी। मैं मेरे साथ एक चीज और, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर कांग्रेसी पार्टी के अंदर जो ये मुख्यमंत्री हैं, अगर ये असली कांग्रेसी हैं, चाहे वो भूपेश बघेल हो, चाहे वो अशोक गहलोत हो, चाहे सुक्खू हो, इन तीनों लोगों को संबित पात्रा के ऊपर, नरेंद्र मोदी के ऊपर, अमित शाह के ऊपर, जितने भी इनके इनके प्रवक्ता उनके ऊपर केसेस करके, क्रिमिनल ऑफेंसेस केसेस करके, इनको उनके इनके प्रवक्ताओं को तो कम से कम जेल के अंदर भेज दो अगर हिम्मत हो तो, नहीं तो अपने आप को कांग्रेसी कहना बंद करो। अब मैं एक प्रबल जी, आपको जनता की मांग है, एक कोई सज्जन है वो आपसे कह रहे हैं आप प्रबल प्रताप सिंह को रोज पैनल में बुलाया करें, मोदी का मुकाबला वही कर सकते हैं, उन्हें पीएम होना चाहिए। तो अब आप अपनी पीएम की स्पीच या अपना जो भी रिएक्शन है आप दीजिए, क्योंकि एक आपके भाई ऐसा नहीं है कि हम लोगों को लगता है आपके बहुत इसमें चाहने वाले लोग हैं, क्योंकि शायद मुझे ऑन अ सीरियस नोट उनको ही लगता है कि कोई उनकी बात कह रहा है, कोई कोई आपकी खूबसूरती देख के नहीं, लेकिन शायद आपकी बात देख के उनको लगता है देयर इज समवन हु इज टॉकिंग ऑन देयर बिहाफ। आपको मतलब मैं चलते चलते बोल रहा हूं कि ये पॉलिटिकल फॉलोआउट इसका आपको क्या लगता है, पॉलिटिकल फॉलोआउट यही है कि राहुल गांधी की प्रसिद्धि और बढ़ेगी और डेयरिंग लोग आएंगे जो डरेंगे नहीं, और नरेंद्र मोदी और डरेंगे। ये मैं कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी इतने डरपोक व्यक्ति हैं, ये आरएसएस वाले बहुत ज्यादा डरपोक हैं। ये कहते हैं ना, ये बातों के क्या कहते हैं, अब वो जाने दीजिए, मैं कह दूंगा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो उसको आप डिस्क्लेमर कर लीजिएगा अपने द पब्लिक इंडिया से, इसको मत जोड़ा जाए, इसको जो कार्रवाई हो मेरे ऊपर हो, मैं इसको फिर से बोलता हूँ, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और कांग्रेस पार्टी के तमाम जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको मैं चैलेंज कर रहा हूं, उनको ललकार रहा हूं मैं एक तरीके से, संबित पात्रा, गौरव भाटिया और जितने भी ये कुकर्मी और बेअंदाज जो ये प्रवक्ता हैं, इन सब के ऊपर केसेस होने चाहिए, उन सारे मंत्रियों के ऊपर केसेस होने चाहिए जिन्होंने किसानों को अपमानित किया, जिन्होंने किसानों को खालिस्तानी, नक्सली, माओवादी कहा, इवन दो प्रधानमंत्री ने किसानों को परजीवी कहा, और यहां तक इनकी कांग्रेस के अध्यक्षा को जर्सी गाय कहा, उन सब के ऊपर इन लोगों को डिफेमेशन केस करना चाहिए, उन लोगों के ऊपर तमाम केसेस करने चाहिए और इन सबको पुलिस द्वारा टंगवा लेना चाहिए और वहां पर जेल में, अगर अगर वो आसाम का चीफ मिनिस्टर गुजरात से पकड़ के ले जा सकता है कांग्रेस के विधायक को, तो राजस्थान का चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं किसी को दिल्ली से उठवा सकता है, किसी को उत्तर प्रदेश से उठवा सकता है, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री क्यों नहीं किसी को बिहार से उठवा सकता है। विजय सिन्हा ने और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने
बिहार और तमिलनाडु को लड़ाने का काम किया, जिस तरीके से मनीष कश्यप नाम के यूट्यूबर का इस्तेमाल कर और सब यूट्यूबर का इस्तेमाल करके जिस तरीके से अफवाह फैलाई कि बिहार के लोग पीटे जा रहे हैं मारे जा रहे हैं, उस तरह के अफवाहों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग इन्वॉल्व हैं, आरएसएस के लोग इन्वॉल्व हैं, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मैं ये जानना चाहता हूं, इतना डर कर क्यों जी रहे हो? किस दिन के लिए? ये उस तरह के आदमी नहीं है, ये डेमोक्रेटिक लोग नहीं है, ये फासिस्ट हैं, ये एक तरीके से फासीवादी लोग हैं। इनका यह इनका हश्र वही होगा जो हिटलर का हुआ, मुसोलिनी का हुआ, और उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला इन लोगों का।